सो दोस्तों, आपका जो भी डाउट है कि भाई कितने परसेंट पे आपका एडमिट कार्ड आएगा और कितने परसेंट पे एडमिट कार्ड एक्चुअली में आता है हर बार, तो इन दोनों बात पे डिस्कस करेंगे। तो आपका 100% इस वीडियो में डाउट तो क्लियर होने वाला है। और ये भी बात करेंगे कि भाई इस बार कहीं कुछ फिक्स तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है ना कि फिक्स है तो फिर जो स्टूडेंट ने फिक्स कराया उनका ही होगा, बाकी का नहीं होगा। तो उसके बारे में बात करेंगे डिटेल में, लेकिन पहले बात करेंगे कि भाई कितने परसेंट पे आपका एडमिट कार्ड आएगा इस बार और नॉर्मली कितने परसेंट पे एडमिट कार्ड आता है। तो इन दोनों टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं दोस्तों। तो भाई अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि यार कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो और भी आगे मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले मिले। और भाई अपने दोस्तों को पक्का शेयर करना जो कि नेवी SSR के लिए फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि सर SSR की बात तो ठीक है, लेकिन MR का क्या? तो MR का अभी तो वैकेंसी नहीं आई है, अब वैकेंसी उसकी आएगी तो उसकी भी वीडियो बना देंगे आपके लिए बिल्कुल सिंपली। तो दोस्तों उसकी बाद में देखते हैं, पहले जो आगे है 26 अप्रैल, मिशन 26 अप्रैल है, इसको यार फुलफिल करते हैं 26 अप्रैल के लिए। तो चलो बात करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं अपना डबल ए के बारे में। तो भाई डबल ए के बारे में यही बात है कि आपका एग्रीगेट होना चाहिए 60%। अब एग्रीगेट मतलब होता है कि आपका मैथ्स में फिजिक्स में मिला के, इन दोनों का मिला के जो परसेंटेज आपका बनता है दोस्तों, वो होना चाहिए आपका 60%। अगर 60% से एक नंबर भी कम है तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। और फिर इंडिविजुअल भी मांगते हैं, लेकिन इसमें नहीं मांग रहे इंडिविजुअल, ठीक है? तो 60% एग्रीगेट मांग रहे हैं, यानी फिजिक्स मैथ्स में दोनों में मिला के आपके परसेंट होनी चाहिए 60%। तो आई होप यार आपका इसमें तो कोई डाउट रहा नहीं होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं SSR के लिए, उसके बाद बात करेंगे। ये वो परसेंटेज है जिसपे कि आपको एडमिट कार्ड इश्यू होता है। अब इसके बाद बात करेंगे कि एडमिट कार्ड इस बार कितने पे इश्यू होगा, ठीक है? कि जिसका 54% है, जिसका 55% है, उसका एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा। तो ये तो बात कर ली हमने किसकी, डबल ए की। अब बात करेंगे SSR की। तो दोस्तों मैंने काफी चेक किया, बट SSR के लिए उतना कुछ मिला नहीं मुझे परसेंटेज। बस लिखा था कि 10+2 आप पास होने चाहिए विद मैथ्स एंड फिजिक्स आपका होना चाहिए सब्जेक्ट। तो यार आप ही सोचो कि 60% है एग्रीगेट जब आपका डबल ए का, जो कि होता है एक तरह से टेक्निकल होता है, ये होता है भाई SSR आपका नॉन टेक्निकल। तो इसमें भाई मैंने काफ़ी सर्च किया और भी एक्सटर्नल वेबसाइट से मैंने रिक्वायरमेंट देखी इसकी। तो यार उसमें मैंने पाया कि 50% आपका होता है, 50% अगर आपका है तो फिर आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। तो ये तो बात कर ली कि कितने परसेंट पे आता है, जैसे कि आपका आ जाता है डबल ए का आ जाता है आपका 60% पे, और आपका आ जाता है SSR का आ जाता है आपका 50% पे। लेकिन दोस्तों इस बार कितने पे आएगा, क्योंकि डिपेंड करता है ना भी कि कितने पे आएगा, कुछ फिक्स तो नहीं है। तो भाई मैं सिंपली वर्ड में बोलूंगा अगर तुम लोगों को, तो यार अगर आपका डबल ए में ना 60 से पार है तो आपका पक्का एडमिट कार्ड आएगा। 60.1 है, 60.2% जितना भी है आपका एडमिट कार्ड आएगा। और बाकी SSR का है तो 50 रिक्वायरमेंट आपके लिए बिल्कुल, 50 माइलस्टोन है भाई। 50 से ऊपर आया तभी आपका एडमिट कार्ड आएगा, 50 भी आया तभी भी आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन 50 से थोड़ा भी कम हुआ, 0.1 भी कम हुआ तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा दोस्तों। तो भाई आई होप आपका मैंने डाउट क्लियर कर दिया होगा। भाई कमेंट सेक्शन में पक्का कमेंट करना कि तुम्हारे परसेंटेज कितने हैं, ठीक है? क्लास 12th में एग्रीगेट परसेंटेजेस कितने तुम्हारे, वो कमेंट करना और बताना कि ये जो नई वैकेंसी आ रही है इसमें तुम्हारे होने के चांसेस हैं, तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।